मैं गर्ज करता हूँ ये नुकता ना सही, छोटी सी नुकती सही, बाद नुकते में नुकते भी होते हैं ना। अहले हदीस दो तबकों की बड़ी मुखालफत करता है, नंबर एक अबू हनीफा, नंबर दो तबलीगी जमात, ऐसे है यानी नंबर एक अबू हनीफा नंबर दो। ये कल की बात है, सरगोदा कसूर से मेरे पास यार मुकल्लद आया, कहता जी मैं एक सवाल पूछना है, महज पूछ, तुसी भी मौलवी होते, वो भी मौलवी ने, सच्चा केड़ा है ते झूठा केड़ा है, मैं क्या किसी मौलवी का नाम है, कहते तुसी फुरमान, मैंने कहा उसने दो घंटे एतराज किए मौलाना तारिक जमील पर, मैंने उसको जवाब दिए, तीन साल गुजर गए, उस बाप से पूछना जवाब क्यों नहीं देता, पूछना जवाब क्यों नहीं देता, दोनों जो मौलवी हैं, मैंने कहा और मौलवी मिराज रबानी, मैंने कहा वो जो वहाँ हायल में सऊदीया में रहता है, कहते जी हाँ, मैं सुना उसने फजाइल सदकात पे एतराज किया है, मैंने वहाँ वीडियो सीडी रिकॉर्ड करा के दंदान शिकन जवाब दिए, उस बाप से पूछ चार साल गुजर गए जवाब क्यों नहीं देता, कहा जी तालिब रहमान, मैंने कहा खियाबान सर सैयद में जाके मैंने उसका ऑपरेशन किया है, उससे पूछना जवाब क्यों नहीं देता, मैंने कहा मुश्किल गल है, पूछना जवाब क्यों नहीं देता। और ऐसे अकल से पैदल हैं, ये तालिब रहमान ने किताब लिखी है, पहले दिन जहां बैठा हो ना इसे कहना किताब ला कर दे, ये तुम्हें देगा, किताब का नाम क्या है, आइए कीदा सीखिए, किताब क्या नाम है, जरा इलम देखना इलम, आइए कीदा सीखिए, उसमें गुनवान है सिमाए मोता, उसमें खुद सवाल करता है सवाल जवाब, सवाल क्या, क्या मुर्दे सुनते हैं, तवज्जो, जवाब वो मुर्दा ही क्या जो सुने, सुने सुने जरा सवाल किया, क्या मुर्दे, फिर जवाब वो मुर्दा ही क्या जो, फिर सवाल क्या कुछ सुनते भी हैं, कहते हैं जी हाँ जब दफन करके दाए तो जूतियों की आवाज सुनते हैं, यार है वो मुर्दा ही क्या जो, अब क्या कह रहा है जूतियां, मैं क्या जी खानियां ने वो सुन रहा है, देखिए इनसे किताब मंगाओ मुर्शरी, इनसे मंगाओ, पुत्र किताब लाके दिया साढ़े मोर से वाला थे झूठे के गलत थे, अच्छा अगले सफे थे, क्या मुर्दा बोलता है, कहता नहीं मुर्दा बोल नहीं सकता, वो मुर्दा ही क्या जो बोले, फिर आगे सवाल क्या कुछ बोलता भी है, कहता जब फरिश्ता गुर्ज मारे ना फिर चीख लेता है, बा इलम, इलम देखा, इतराज किस पर है, इमाम आजम अबू हनीफा जात दिकोड़ किल्ली शतीरा ना जफे, मेरी बात समझते हैं, जात दिकोड़ किल्ली शतीरा ना जफे, इमाम आजम अबू हनीफा, या मुखालफत इमाम साहब की या मुखालफत किसकी, दोनों का एक जुर्म है, इमाम साहब को जुर्म क्या है, जो दीन दुनिया में फैल गया था, तवज्जो रखना, उसको जमा, जो सुन्नतें फैल गई उसको जमा किया है, तबलीग जमात को जुर्म यह है जो सुन्नतें मिट गई थी उनको जिंदा किया है, जमा भी हमने किया जिंदा भी हमने किया।